बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को विशिष्ट प्रणाम करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं बैरागी दा और अशोक जी दोनों की बात कविता पढ़ रहा हूँ। मैं अशोक जी को ये कह रहा था कि बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे कविता बाद में पढ़ने को कहा गया है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो बेटा, बाद में पैदा हुए हो तो बाद में कविता भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी इसलिए भी हूँ कि मैं गो एयरलाइंस में था, नाम जिसका गो था पर वो जाने कोई तैयार नहीं थी। 3-3.5 घंटे रनवे पे लगा रहा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में पहुंच पाया, इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ और आपके इस मोहब्बत का आभारी हूँ कि आपने इस अभियान का हिस्सा मुझे बनाया और यहाँ पर बुलाया। संजय जी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बढ़िया झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए राजीव जी ने कहा कि मैं हास्य का कवि हूँ। असल में मैं कवि ही नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण और बहुत मन से चीज स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं श्रोता हूँ, मैं बैरागी दा जी की और अशोक जी की कविताएं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। मैं श्रोता भर हूँ, मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें करता हूँ। कविता लिखना तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि नीरज जी कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि लोग तो ये हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे उपस्थित भर हुआ। झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं पहले भी आया था तब मैंने एक बात कही थी कि ये नाम आपका बहुत अच्छा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक परिवर्तन चाहता हूँ कि इसे आप रहे नहीं कहें, सिर्फ इतना सा कहें कि झंडा ऊंचा है हमारा। इसमें रहे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा झंडा तो हमेशा सदैव ऊंचा है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आपके इस अभियान को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे कर दूंगा। पूरी दुनिया में जितने देश हुए, जितने लोग हुए, भारत पे हमला करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। किसी ने बंदूकों से किया, किसी ने गोलियों से किया, किसी ने बातों से किया, लेकिन हमला सभी ने किया और हम सारे हमले स्वीकार करते रहे। सारे हमले स्वीकार करने के बाद शायद दुनिया ने हमारे मौन को न जाने क्या समझ लिया। तब गणतंत्र दिवस की संध्या पे मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से क्या कहता है, सुने मेरी बात। इस अवसर पे शायद इससे श्रेष्ठ नहीं कह सकता बैरागी दा, अशोक जी ध्यान चाहूंगा, इस अवसर पे यही कह सकता हूं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ओर से एक संदेश के सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। ये राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूंगा, जीवन में इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो एक पंक्ति कहता हूं। ये तिरंगा जिसे लहराते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर जनगणना, मैं अभी पिछले दिनों सेलुलर जेल देख के आया, यकीन मानिए उन लोगों ने, भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता, सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, बढ़िया भाई। मित्रों, ये औपचारिकता नहीं थी, इस राष्ट्र के लिए ऐसा सोचना बड़ा आवश्यक है और सचमुच इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। संजय जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ, चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं आप, 5,000 मोमबत्तियां लगाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे आज कोई पूछ रहा था आप इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इस देश में आजादी के बाद इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है, तब मुझे लगता है इन कविताओं की और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है जय है जय है से ज्यादा एआर रहमान का जय हो बजने लगे, जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजे आके खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में
एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो उस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनके जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और उस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी, तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब, पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं, आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। तब उस देश में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है जो आपने जुटाया है, तब इन कविताओं की जरूरत है। लेकिन बात तो वही है मित्रों, जैसा हम सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मुझे, मेरे एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती, क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि, कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए, ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा शैलेश भाई एक बार फिर। तब इससे आगे की पंक्ति मैंने एक बात कही कि हमने याद रखा, हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा, एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते, ये तो अच्छा है कि नोट पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। वाह 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 वाह, बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह। ये स्थिति हमारी हो गई न तो मित्रों, मेरा रस है ये, लेकिन आपके इस आयोजन में संजय जी बधाई देना चाहता हूँ, मेरा ये रूप बाहर निकल के आ गया। वाह वाह, स्वागत है भैया। मैं न तो इस रस में कभी लिखता हूँ न कहता हूँ, लेकिन कहने लगा क्योंकि सचमुच मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ बेटा बात कर ले फोन पे एक बार पूरा, हाँ बुला ले बुला ले बुला ले, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बुला ले बेटा बात कर, चिंता मत कर। कहाँ है पापा? नाम क्या तेरा? अभिनव खंडेलवाल के पापा जी। कहाँ हैं आप? इधर ही हैं, आप आ जाएं अगर हैं तो, वरना बच्चे को मूर्ख ना बनाएं ये कह के कि मैं कवि सम्मेलन में ही हूं। वैसे इस देश में बच्चों को कौन मूर्ख बना सका है। आ गए साहब, खंडेलवाल साहब आ गए, पधारे, आइए साहब। आदमी औलाद पैदा करे तो ऐसी, बाप कहीं भी हो खींच के ले आए, और पंडाल के पंडाल में ये देखो, आपको अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए, आप पिछली पंक्ति में थे, इसने आपको अग्रिम पंक्ति पे ला के बैठा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। वाह वाह वाह, क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं 1985 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। उनसे एक सवाल करो तीन सामने लाते हैं। मैंने एक बच्चे को पूछ लिया, मैंने कहा कहां पैदा हुआ था, बोला तिरुवनंतपुरम, मैंने कहा स्पेलिंग बता, बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। इनका आप कुछ नहीं, थोड़ा तेज कर देना ध्वनि, इसकी वॉल्यूम बढ़ा देना, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, मस्ती से आ जाइए। अब आप, मैं थोड़ा सा अपने, मैं यकीन मानिए मैं कभी हुई नहीं, मैं तो छोटी छोटी एक एक पंक्तियों की बात करता हूं, क्योंकि मेरे से इतनी लंबी कविताएं लिख ही नहीं सकता, मेरे बाप से नहीं लिखी जाए, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं तो कई बार, मैं बिल्कुल अशोक जी और बैरागीदा पढ़ रहे थे, आप यकीन मानिए हमने इनसे कविता लिखना सीखा। बाकी आजकल के कवि कविता कम पढ़ते हैं, ताली ज्यादा मांगते हैं, इस पे बजाओ उस पे बजाओ, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, आड़े होके बजाओ टेढ़े होके बजाओ, तुम्हारे बाप का राज है भाई, माल ओरिजिनल होगा अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की जरूरत क्या है। वाह 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 वाह, मुझे बहुत कोफ्त आती है, मैं बता रहा हूं आपको, इतनी किस्म किस्म ढंग से तालियां मांगते हैं जिसकी हद नहीं। एक कवि ने कविता पढ़ना प्रारंभ की संजय भाई, तो किसी गधे ने बोलना शुरू कर दिया, तो उसने आयोजक को कहा इस गधे को चुप कराइए, बोले वो भी यही कह रहा है। मैं किस किस को कराऊं,
तो मैंने तो कम शब्दों में काम करना सीख, इतना लंबा पढ़ा एक कवि ने कि शहर में कवि सम्मेलन हो रहा था, कहीं मुख्य अतिथि कोई थे 85 बरस के, कवि ने कविता पढ़ी, मुख्य अतिथि वहीं खेत रहे। चार लोग लेके गए उन्हें, कवि पे मुकदमा चला, जज ने कहा इसका अपराध, बोले इतनी लंबी सुनाई कि नहीं रहा मुख्य अतिथि, बोले इसको फांसी चढ़ा दो, अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला वही कविता आपको सुनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, कर ले क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सच बता रहा हूं बैरागीता, आपने कहा आलोचो की, आज 1985 के बाद ये पंक्ति फिर से शुरू की, सुनी आपके मुंह से जब कोटा के कवि सम्मेलन में अशोक जी ने वो कलम निकाल के दी थी और आपने कहा था कि आलोचकों की परवाह कभी मत करना, क्योंकि आलोचकों के स्मारक कभी नहीं बनते, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय खेल है, आओ निंदा निंदा खेलें। वाह वाह, हम कुछ इसके सिवा करें जानते ही नहीं है। हमारा जीवन तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक मैं, संजय पटेल और राजीव शर्मा बैठे हैं, तब तक हम तीन दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे राजीव निकल जाते हैं हम दो ही रह जाते हैं, संजय जी के जाते तो मैं अकेला हूं ही। भाई दुनिया में तो मैं तो श्रेष्ठतम हूं। तो ये भावना हमारी, क्योंकि हिंदुस्तानी बड़ा महान होता है, सब कमाल का होता है, उसमें भी मैं मारवाड़ी, हम थोड़े डबल देशभक्त होते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में मंदी छाई, हमारे यहां नहीं छाई। हिंदुस्तान में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, हम खर्च करें तो आए। बताओ मुझे आप, मुझे बोला आप इतनी लंबी लंबी कविता क्यों नहीं लिखते। अरे मैंने कहा मैं शब्द वेस्ट कर ही नहीं सकता, एक शब्द मुझसे वेस्ट नहीं होता। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब। मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं क्या हो सकता है। अबे बोले नहीं बाप बता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। बोले 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब। मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं था मेरा बाप, मैं जानता हूं मेरे बाप को। घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आए, अगले ने 2 बाल्टी पानी टिका दिया। बोले ले जा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। एक आया बोले पैसा चाहिए, बोले किस चीज के लिए चाहिए, बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहां के लिए पैसा मांग रहा, शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जहां जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, कहेगा पैसा कटा। अच्छा मेरा चाचा तो उससे भी महान, घर पे लोग अनाथालय के लिए चंदा लेना है, अगले ने 2 औलाद दे दी। बोले कहीं से तो शुरू कर। मैंने खुद पिताजी से मांगा, मैंने कहा पैसा दो। बोले क्यों, मैंने कहा मुझे चश्मा चाहिए। बोले क्यों, मैंने कहा मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे छत पे ले गए। बोले वो क्या है, मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा बता। तो हमें पता है ये मैनेजमेंट कैसे करना, हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता इसके। हम कुछ भी जवाने में वेस्ट करते ही नहीं, मैं बता रहा हूं वेस्ट कर ही नहीं सकते। घर में डिटेल की शीशी फूटता है आदमी उंगली काट लेता है। बढ़िया है, बढ़िया है भैया, वाह वाह शैलेश भाई वाह। मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं साहब, बहुत माइन्यूट। मालवा और मारवाड़ में कोई फर्क नहीं, एक जैसी संस्कृति हमारी, एक जैसा चरित्र हमारा, एक जैसा सोच हमारा। बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं आपको, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते। अगर घर, हमें घर में चीज भी साफ करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं। वाह वाह, गंदा कपड़ा दे। बोले क्यों, टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ कर लेते, बताओ इस देश में मंदी आ सकती है कभी किसी का। हमारे घर में पापड़ के टुकड़े बच जाए महिलाएं सब्जियां बना लेती है, फेंकती थोड़ी उसे। घर में आदमी के ब्रश टूट जाए नारा डालता, फेंकता नहीं है उसे। ये हमारा क्या बात है, क्या बात। अब बताइए इस देश की महानता के क्या क्या किस्से सुनाऊं मैं आपको। ये हमारा देश है, ये हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये हम कैसे करते हैं हम ही जानते हैं। ये हमें पता होना चाहिए ना कि जीवन में काम कैसे हो। हमारे मोहल्ले में एक साड़ी की दुकान थी, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं।
अब कर लो आप, क्या कर लोगे? तो हमारे यहां तो वेस्टेज होता ही नहीं ना किसी भी चीज का। तो कम शब्दों में बात कहनी, और कम शब्दों में बात, जो बात कही थी बैरागी दा ने, यकीन मानिए उन्होंने अपने जमाने की बात बताई। मैं आपके जमाने को सिर्फ एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं, मैंने पिछले दिनों इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पंक्ति कविता कहता हूं। आप सोचिए उस जमाने को याद कीजिए जब आपके पास सब कुछ था, भौतिक तौर पर नहीं, भौतिक तौर पर हमारे पास कुछ नहीं होता था, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन क्या नहीं है। सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, अपने अपने 20 साल पहले लौट जाइए और याद कीजिए कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह 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 वाह। सब कुछ मिल गया जीवन में लेकिन हमने क्या क्या खो दिया। आप अपने बच्चों को देखिए, और एक बहुत बारीक बात कह रहा हूं, उन बच्चों को देखिए जो कंप्यूटर के साथ बहुत खुश हैं, जो कैलकुलेटर के साथ बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, वो बच्चे जो वीडियो गेम्स के साथ, वो मशीनों के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आदमियों के साथ अनकंफर्टेबल हैं, रिश्तों के साथ अनकंफर्टेबल हैं वो बच्चे। आप उन्हें कहिए पार्टी में चल, नहीं चलेंगे, शादी में चल, नहीं। और अपना जमाना याद कीजिए, जब एक साइकिल चलाने का जो सुख मिलता था, आज आप होंडा सिटी चला लें, मर्सिडीज चला लें, वो सुख नहीं मिलता, हमने हमारे सुख कहीं खो दिए। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं मित्रों। देश का वो वर्ग जिनके पास सुबह रोटी होती है तो ये पता नहीं होता कि शाम को इस घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन उन लोगों के चेहरों पर जिंदगी नाम का उत्सव हमेशा खेलता रहता है। हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हो गए, लेकिन हमारे चेहरों से आनंद चला गया, जीवन से उमंग गायब हो गई, उत्साह चला गया, तो यहां खड़े होकर उनके नाम जिंदगी करता हूं। वो मध्यम वर्गीय वर्ग जिन्होंने सुबह रोटी खाई तो ये नहीं पता कि शाम को होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा सलाम किया, तब कहता हूं कि उनकी जिंदगी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ चार पंक्तियां कि उनकी जिंदगी आखिर है क्या। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा जिनका सच हो, तब उनकी जिंदगी क्या है कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, ये सच है उनका, कि सुबह ही सुबह पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार। लेकिन हमें वाह, हमें प्यार किससे? बैरागी दा स्वागत। हम तो वो हो गए, यकीन मानिए मैं इस देश के बारे में जितना कहूं कम है, क्योंकि ये देश कमाल का है, हमारे यहां चीजें कमाल की होती है, लोग इतने अद्भुत हैं जिसकी हद नहीं। मतलब मैं बताऊं, एक आदमी मतलब आलस्य की हद देखी मैंने, एक आदमी ट्रेन की पटरियों पर लेटा हुआ और मैंने कहा भाई उठ जा, ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी तो मरमरा जाएगा, बोले क्या बिगाड़ लेगी ट्रेन ऊपर से, अभी एरोप्लेन निकल गया, कुछ नहीं हुआ अपना। ये हमारा चरित्र भाई, काम क्यों करें हम, ये हमारा मूल राष्ट्रीय चरित्र यही है कि भाई काम बगैर किए हो जाए तो हो जाए, बहुत बढ़िया, 5000 मोमबत्तियां जल्दी कोई अच्छा हमारी तरफ से भी एक लगा देना, ये हो गए हम। लेकिन आपने इस पे ये बीड़ा उठाया, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप यकीन मानिए राष्ट्र से बड़ा कुछ होता नहीं। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके प्रति सिर्फ भावना ही तो प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि देश जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश नदियों का समूह नहीं होता, देश भौगोलिक सीमा रेखा नहीं होती, देश आप हैं, देश मैं हूं, मैं भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान हूं, आप भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और उस हिंदुस्तान के प्रति जब भावना जागृत होती है तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमारा देश है कमाल का, उसमें भी हम इतने अद्भुत हैं जिसकी हद नहीं। लोग सवाल ऐसे करते हैं, मैं बताऊं आपको, हमारे मोहल्ले में एक जना कोई मर गया तो बैरागी दा जलाने के लिए कई लोग चले गए, तो एक 92 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए, तो जलाने वाले ने उनसे ही पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 92 साल। बोले अब घर जाके क्या करोगे? Ha 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 ha
जाओगे आओगे टाइम वेस्ट करोगे। ये हमारे राष्ट्र का पॉजिटिव चरित्र है, ये हमारी पॉजिटिव अप्रोच है। हम इतने पॉजिटिव हैं कि कुएं में गिर जाए तो नहाने के लिए साबुन मांग लेते हैं, यकीन मानिए। और हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी चला जाए फंस सकता नहीं। मैं पिछले दिनों शेंजन गया चाइना में कविता पढ़ने के लिए, उज्जैन का कवि है वो दिनेश, वो सामने बैठा है, वो सुनने आया, वो साथ था मैं, तो हम दोनों चले गए हांगकांग से शेंजन गए, वहां उतरे। अब वहां एक जो ऑर्गेनाइजर थे आने लेट हो गए, जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजर करते हैं, आज तो प्लेन ही लेट हुआ है। तो अब वहां खड़ा गया, अब ये घबराया, बोले शैलेश भाई अब यहां तो अपना एड्रेस कैसे ढूंढेंगे, चाइना यहां सब चिंग मांग चू, यहां किसी को ना हिंदी समझ में आती ना अंग्रेजी समझ में आती, ढूंढेंगे कैसे। मैंने कहा तू चिंता मत कर, हिंदुस्तानी आदमी चांद पे चला जाए तो ब्लॉट काट के भेज देगा, तो एड्रेस अभी अरे ढूंढोगे कैसे। मैंने कहा तू चिंता मत कर। मैं जेब से पेन निकाल के खड़ा हो गया वहां शेंजन के चौराहे पे, और मैं खड़ा हुआ करता रहा, पांच रुपए का एक, पांच रुपए का एक, पांच रुपए का एक, पांच रुपए का एक। दो घंटे बाद एक आया, बोले भैया यहां हिंदी कोई नहीं समझेगा। मैंने कहा बता एड्रेस। वाह वाह वाह, ये हिंदुस्तानी होता है। और ये मेरे जैसा ही कभी हो सकता है, इतनी देर से खड़ा, और मैं जीवन में कभी नहीं कहूंगा आपको कि तालियां बजाओ, जीवन में कभी नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ, और इसके बावजूद आप बजा रहे हैं, ये होता है मारवाड़ी। वाह 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 वाह, भाई क्यों कहना टाइम वेस्ट करना, कि यहां तो जो काम होता। भाषा की बात कर रहे थे अशोक जी, जब मैं आया मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आके बैठ गया सुनता रहा अशोक जी को, मैं बरसों से सुनता रहा हूं। मेरे बहुत किसी को सही कहा संजय भाई, माइक्रोफोन का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल, और कम्युनिकेशन के चार पांच सिद्धांत होते हैं, इसमें टोन है, पिच है, रेट ऑफ स्पीकिंग है, अगर वो सीखना है तो अशोक जी को, आदमी को सुन लेना चाहिए कि किस तरह से कविता पढ़ी जाए और किस तरह से कविता लिखी। आज दोनों उदाहरण है, बालकवि बैरागी जी, अशोक जी, और दोनों इस चीज का संगम है, दोनों ही इस चीज के सर्वोच्च हैं कि कविता कैसी लिखी जाए और कविता कैसे सुनाई जाए। और आपने उन दोनों को बुलाया है, कैसी कविता लिखनी चाहिए। बैरागी दा की कविता यकीन मानिए वो कविताएं, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। वो बैरागीदा इस मंच पे बैठे हैं जिनकी कविताएं सुन के हम बड़े हुए, और अशोक जी, इन्हें इन्हें पता है कि कैसे लिखा जाए और कैसे सुनाया जाए। तो मैं कह रहा था इनकी उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, इनको आप लोगों को दो पंक्तियां सिर्फ इसलिए समर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों के होने की वजह से कविता नाम की चीज अभी भी जिंदा है। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे तो बुजुर्ग भी कमाल के हैं, एक से बढ़कर एक हैं। वो हमारे मारवाड़ में कोई एक सास थी, वो अपने पोते को खिला रही थी, और खिलाते खिलाते पोता हाथ से गिर गया, चोट लग गई, तो बहू आई, उस बच्चे की मां, बोले सासू जी इसको आप अच्छा हाथ मत लगाना। बोले ठीक है कर ले सौदा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। वाह वाह वाह। तो हमारे तो बुजुर्ग भी कमाल के हैं, कोई क्या कर लेगा। वो वाली कविता सुना दो, चलिए माहौल वही है। तो भाई संजय जी ने कहा वो कविता, और यकीन मानिए वो कविता मैंने सालों से नहीं सुनाई, वो सुना देता हूं। बहुत बहुत बढ़िया कविता की आपने याद दिला दी, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दो और फिर मैं विराम लेता हूं, क्योंकि इस कविता से ही शुरू करता हूं। ये कविता मैंने हिंदुस्तान में नहीं लिखी, अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सस, और वहां एक शहर है ह्यूस्टन। कुछ लोग हां भर रहे हैं, इससे यह जाहिर नहीं हो जाता कि उन्होंने देखा है, और इससे यह भी जाहिर नहीं हो जाता कि उन्हें पता है। इससे यह जाहिर होता है कि आदमी समझदार है, और सामने वाले को यह जताना जानता है कि मैं जानता हूं। तो टेक्सस में ह्यूस्टन शहर में जब मैं काव्य पाठ कर रहा था, और काव्य पाठ करने के बाद जब मैं बैठा, तो बैरागीदा जैसे लोग मिलते हैं, आके मिले और कहने लगे माइक पे खड़े होकर बहुत चिल्लाते हो कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे देश में रखा क्या है। यकीन मानिए मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, बहुत पीड़ा हुई। मेरी जगह आप होते तो आपको भी चोट पहुंचती, बहुत पीड़ा होती। लेकिन मेरा दर्द सुनना साहब, मुझे चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे मुल्क में क्या रखा है,
मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था जो सारी उम्र यहां पला, यहां बड़ा, इसकी माटी में राज, इसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और जिसकी धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने ही मुल्क वाले से ये कहे, एक हिंदुस्तानी जब दूसरे हिंदुस्तानी से ये कहे कि तेरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, तो चोट पहुंचना स्वाभाविक था। तब मुझे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी की एक कहानी याद आई और उस कहानी को मैंने कविता की आत्मा बनाया। क्यों मुझे पीड़ा पहुंची, क्यों मुझे कविता लिखनी पड़ी? कन्हैयालाल जी लिखते हैं कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सुनार मुझे बनाने के पहले ठोकता, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। वाह 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 वाह, मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है। जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को यह कहे कि तेरे मुल्क में रखा क्या, अरे उन्हें मालूम क्या है कि मेरे मुल्क में है क्या? हमारे मुल्क में मधु कोहड़ा है। वाह वाह, है एक भी लीडर ऐसा? सूर्यवंशी 38 वर्ष की उम्र में 4,000 करोड़, आप यकीन मानिए कभी जिंदगी में 4,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो यकीन मानिए इस जन्म में मुझे गिन के दिखा देना, आप गिन नहीं सकते। ये हिंदुस्तान, ये हमारा देश है, हमारे यहां कमाल की चीज है। हमारे मुल्क में क्या रखा है? बहुत जबरदस्त, जैसे आपका इंदौर का ट्रैफिक। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा, राजवाड़ा के आगे मेरी कार के आगे आदमी हाथ साइकिल पे यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। अब कर लो आप, क्या कर लो, ये अपने इंडिया में ही हो सकता है। कार में आगे एक औरत हाथ निकाले भी, मैंने कहा इसको मुड़ना होगा, आधे घंटे तक मुड़ी नहीं। मैंने कहा बहन जी क्या? अरे नहीं, बोले मैं तो नेल पॉलिश सुखा रही थी। ये अपने मुल्क में ही हो सकता है। तब मैं बताता हूं मेरे मुल्क में है क्या, दो दृश्य करता हूं पैदा। अमेरिका में एक लड़का मुझसे कहता है तेरे देश में रखा क्या। तब सुनिए कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया, बहुत समय बाद सुना था तो हो सकता है मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, लेकिन याद करने की कोशिश करता। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, कम ऑन डैड। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। Come on, Dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. अब मैंने तुरंत ये शब्द सुना और मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा सुनो, काम की बात चल रही है। मैं रेगिस्तान का निवासी, वैसे ही सूखा ग्रस्त इलाका, तो ऐसे शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। Come on, Dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. पिता बोले, okay, okay, don't get tense. Just think she was a nonsense and change it. और अब मैंने कहा गजब का बाप है, कितना सपोर्टिव फादर, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा और दूसरी लड़की। मैं आपके जनरल नॉलेज को प्रणाम करना चाहता हूं और जिस भाषा की अशोक भाई साहब बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य आपका बरसों तक ऋणी रहेगा। आपने जो शब्द सौंपा है, संवेद स्वर में सैकड़ों लोगों ने जो एक साथ कहा है, पटा। मैं किसी और शब्द का भी प्रयोग कर लेता, लेकिन जब आपने कह दिया तो मैं वैसे, अच्छा एक बात है, इस शब्द का कोई तोड़ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो परिश्रम, जो मेहनत, जो पसीना पटाने में है, वो किसी और शब्द में आए, आप पटाने में मतलब आप प्रक्रिया नहीं समझे, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, वो किसी और शब्द में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे बताओ, तुमने हमारी जोड़ के शब्द ले आओ बस। बोले क्यों? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़े को बताओ। बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम मुकाबला कर ले बस हमारा, कहीं से मुकाबला करके बता दे कि तू क्या करता है। मैंने कहा तुम्हारा किसी से मतलब तुम्हारा किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा बोल। मैंने कहा तुम अगर कुछ पियोगे तो क्या बोलोगे? बोले आई विल ड्रिंक लस्सी। मैंने कहा जा इंदौर में, बोले एक गिलास लस्सी हेड़ ले।
तेरा बाप नहीं ला सकता है शब्द? हमारा मुकाबला कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। मैं चाहता हूं हमारी हिंदी भाषा के सम्मान में एक बार जो अद्भुत भाषा है। वाह 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 वाह, स्वागत है स्वागत है स्वागत। कर ले कोई मुकाबला, हमारा क्या करेगा? बोले पत्नियां ऐसे बोलती है। मैंने कहा इससे ज्यादा बोलती है। मैं अपनी पत्नी को गोवा घुमाने के लिए ले गया तो कहीं था नहीं, चर्च में ले गए, उसने श्रद्धा के मारे ईसा मसीह के पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती? बोले तू भी लटक जा। मैंने कहा तू तो अनुवाद करके बता दे इसका। हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। मैंने कहा कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? फ्लावर ऑफ लिवर। और मैंने कहा तुम्हारी भाषा का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैंने कहा इंदौर, मैं इंदौर इतना आता हूं कि मैं तो लगभग, इंदौर मेरा बहुत प्रिय शहर है, और मैं बता दूं मुझे इतना मजा आता है, यहां की भाषा कमाल की है सर। मेरा एक मित्र अपने ही मित्र के घर गया तो उधर से निकला वापस, मतलब किधर गया? बोले मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा तुम तो कहीं बाहर गए हो तो सोचा भाभी जी को टच करता चलूं। ये हम कर सकते, ये हमारी भाषा का, सारी दुनिया के भाषाओं को जो हमने हाथ फैला के बुलाया है और जो उसे सौहार्दपूर्ण स्वीकार करके जो मोहब्बत दी है वो कोई दे सकता है? तो ये तो कमाल है। तुम्हारे कह रहे कमाल का बाप है, खुद ही कह रहा है सारी चिंता हटा। मैंने कहा है खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, खुलेआम चिंताएं हटाते, मजे से लड़कियां घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तीन बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। ये इंडियन बाप इस मामले में बहुत जालिम होता है, उसे सिर्फ कूटने का बहाना चाहिए। घर में निकर पहन के क्यों बैठा है? कूट दिया। पैंट पहन के बैठा है फिर ठोक दिया, नई पैंट, कुछ नहीं पहना तो फूट ठोकना ही था फिर तो। तब हमारे मुझे सुरेन जी याद आते हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। सुरेन जी कहते हैं कि जितने एनआरआई, मतलब अमेरिका में आपको मालूम है बच्चों को अगर आप पीट दो तो 911 पे कॉल करके तुरंत पुलिस, आप बच्चों को पीट नहीं सकते, पीटते ही बाप गिरफ्तार। एक हिंदुस्तानी बाप ने ठोक दिया, छोरे ने 911 पे फोन किया, बुला ली पुलिस, गिरफ्तार हुआ। जैसे ही जेल से छूटा बाप, तीसरे ही दिन इंडिया की टिकट कराई बेटे के साथ, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही 911 कि एनआरआई हर साल इंडिया आते क्यों? वाह वाह वाह। तो मैंने कहा है खुदा मुझको भी यही अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता। ये देखिए अलग किस्म की देशभक्ति है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आया था जब अशोक जी एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि वीररस के कवियों ने एक इंच जमीन में नहीं छोड़ी जहां झंडा नहीं गाड़ा। उनकी देशभक्ति थोड़ी अलग किस्म की होती है। अच्छा वो झंडा गड़ता पाकिस्तान पे ही है, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो। मैंने कहा आजकल चाइना बहुत बदमाशी कर रहा है, उधर क्यों नहीं गाड़ते? तो यार उधर के बोले शहरों के नाम ही याद नहीं है, गाड़े तो गाड़े। बढ़िया है, बढ़िया। वाह वाह वाह। अच्छा एक आध शहर का नाम याद हो गया तो उसमें तालियां नहीं बजती। बोले अब के तिरंगा फहराएंगे हम गोंगजाऊ पर। तो गोंगजाऊ वो मजा नहीं देता ना जो लाहौर देता है। तो ये अलग किस्म की देशभक्ति। तो मैंने कहा खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, खुलेआम मजे से लड़कियां घुमाते, मजे से इधर उधर घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी, उन्हें तो भगवान बचाए साहब, मुझे भी अमेरिका भेज देता तो मजे से जिंदगी की रंगीनी उठा। अच्छा दूसरे अमेरिकन परिवार का और तो और भी दमदार, एक लड़की आई और अपने माँ से कहने लगी कम ऑन मॉम I just want to live with that guy whom I'm living with for 2 years. मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा ये कह रही है कि उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ दो साल से रह रही थी अकेली, वो भी बिना शादी के, 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली, अपने यहां तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। और ये देश कितना एडवांस है, हम इनसे कितना पीछे, कितना नीचे। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से वो बात शुरू करता हूं जिसके लिए कविता लिखी, मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये बात मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को बताई
तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया, ये बात कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए, ये बात मैंने वहां एक रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया, तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से हंसते हम भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिसते हैं, अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हारे मुल्क में वहां कुछ नहीं होगा पर ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं मित्रों, ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं, ये जो सम्मान की परंपरा बची है वो इसी देश में बाकी रह गई है। तब कहता हूं कि तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता, और अगली पंक्ति में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता, और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता, और बहन बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों यकीन मानिए एक बात इन कवियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, जो चीज हमारे पास है शायद उसके होने का एहसास हमारे पास नहीं है। मैं उस एहसास कराने के लिए आया हूं कि हमारे पास क्या है जो दुनिया के पास हो नहीं सकता। पूरी दुनिया के ग्लोब पे छोटे बड़े मिला के लगभग 183 देश हैं, छोटे बड़े कर लेंगे जो यूएनओ के सदस्य नहीं है तो 203 देश हैं। बैरागीदा अशोक जी जिनकी कविताएं सारी दुनिया में गूंजी है, एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते सारी दुनिया में जाता हूं और सारी दुनिया के देखने के बाद इनकी उपस्थिति में एक बात दावे से कहता हूं, पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश साहब, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव, जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता हूं ये इसी मुल्क में बचा है। तब कहना चाहता हूं विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है। मैं सारी चीजें स्वीकार करता हूं कि मेरे देश के पास नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगली पंक्ति में मैंने कविता नहीं लिखी, मैंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में बसने वाले एक शब्द को उठाया, उसे कलम की नोक पर रखा और पिरोता हूं आपके सामने और दावा करता हूं कि दुनिया भर के दौलत, दुनिया भर का वैभव तराजू के दो पल्ले लीजिए और दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का यश, दुनिया भर की कीर्ति, दुनिया भर की समृद्धि तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके घर आंगन में और आपके दिलों में, ये शब्द सुनकर अगर आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान बहता हो तो यहां से लेकर वहां तक मुझे बता देना कि मेरे देश के प्यास क्या है जो पूरी दुनिया के पास हो नहीं सकता। मैंने ये नहीं लिखा कि यहां सूरज सबसे पहले उगता है, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप हुए, मैंने ये भी नहीं लिखा कि सिकंदर के सेनापति अपनी बेटी की डोली यहां दे जाते हैं, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां पन्ना धाय स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, मैंने ये कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये सच हम जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं, एक शब्द मात्र कहता हूं कि वो जो हमारे देश में बसता है दुनिया भर में हो नहीं सकता और रख दीजिए दुनिया भर का वैभव इस शब्द के सामने और फिर बताइए कि मेरे मुल्क के पास क्या है कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। वाह 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 भाई वाह वाह। ये मेरे देश के संस्कार है जो आज गणतंत्र दिवस के आप दो रोज पूर्व उन शहीदों को क्रांतिकारियों को याद करते हुए 5000 मोमबत्तियां हैं, लेकिन ये संस्कार शायद कहीं विसरित हो गए। तब कहना चाहता हूं मेरे देश में संस्कार है, यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि सिखाएं अपने बच्चों को कि जब नायगरा फॉल गिरता है तो बहुत आवाज करता है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है साहब, जब नायगरा फॉल गिरता है तो बहुत आवाज करता है और पानी की धार पत्थर को मोड़ते हैं, पर उससे बड़ी आवाज तब होती है जब बच्चे माँ बाप का दिल तोड़ते हैं, उससे बड़ी आवाज तब होती है जब बच्चे माँ बाप का दिल तोड़ते हैं। और सचिन तेंदुलकर सबसे ऊंचा खिलाड़ी है लेकिन रिश्तों की ऊंचाई उससे कहीं बड़ी होती है, और यही विचार मेरे दिल के किसी कोने में खड़े होते हैं कि बच्चे भले ही कद में बड़े हो जाएं मां बाप हमेशा बड़े होते हैं, बच्चे भले ही कद में बड़े हो जाएं मां बाप हमेशा बड़े होते हैं। कंधे उचकाना, अंग्रेजी बोलना, इसमें कुछ खराबी नहीं है, ये आपने देखा होगा इन दिनों ना, यू सी आई ना, मुझे नहीं पता ये बीमारी इंदौर में कितनी आई, पटेल साहब आ गई है, you know, I want to say, Rajiv ji, अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया अंग्रेजी बोलने के लिए हिलना क्यों जरूरी है,
आदमी बोलता कम हिलता ज्यादा है। एक आया मेरे पास, यू नो शैलेश जी आई लाइक योर शो। मैंने कहा मिर्गी के दौरे, सबसे पहले तो सीधा खड़ा रहते। अच्छा आप जो शब्द बोल नहीं सकते उनका भी प्रयोग जरूर करेंगे। सीधा सा शब्द है टॉलरेट, जिसका मतलब होता है सहन करना। वो तक नहीं बोल सकते लेकिन बोलना जरूरी है, भाई आप बहुत देर से मजाक कर रहा है, मैं इससे ज्यादा टॉयलेट नहीं करूंगा। मैंने कहा मत कर, तेरा लोकल प्रोग्राम है, मेरा क्या लेना देना है। लेकिन आदमी फंसाएगा जरूर। एक मिला, मैंने कहा चला गया था बहुत दिनों से दिखा नहीं, एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब विदेश होता है। तो मैंने कहा चला गया कहीं अमेरिका में होगा या एशिया में होगा। मैंने कहा पता गया कहां था, 15 मिनट बाद समझ में आया आबू रोड चला गया था। एब्रॉड। इस भाषा के चक्कर में मेरा एक मित्र अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नर्सिंग होम की जगह मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में ले गया। मैंने कहा यहां क्यों, बोले यहीं लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। मैं कबा, मेरा एक दोस्त हरजीत सिंह, टाई सूट, हाथ में ब्रीफ केस और पेड़ की डाल पे बैठा हुआ। मैंने कहा यहां कैसे, बोला आई एम ब्रांच मैनेजर। क्या क्या अब कर ले आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है उस जमाने में मैंने एक चीज बताई थी, बहुत कमाल की चीज है कि लालू जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे तो वो एक बार आधिकारिक यात्रा पे अमेरिका गए, तो उस वक्त क्लिंटन राष्ट्रपति थे। तो किसी ने कहा आप दो सेंटेंस तो याद करके चले जाइए, अंग्रेजी की बातचीत कैसे करेंगे। तो बोले कर लूंगा, बोले दो एक सेंटेंस, बोले बताइए क्या सेंटेंस। बोले पहला वाक्य वेरी सिंपल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो वो कहेगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो आप कहते ना मी टू, मैं भी। अब लालू जी रट के चले गए, हाउ आर यू, आप कैसे, मी टू, मैं भी। हाउ आर यू, आप कैसे, मी टू, मैं भी। हाउ आर यू, आप कैसे, मी टू, मैं भी। अब वहां क्लिंटन सामने आए, अब लालू तो लालू, बोले हु आर यू। वो बोले आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी, ये ठक से बोले मी टू। तो कंधे उचकाना, अंग्रेजी बोलना, इसमें कोई खराबी नहीं होती है, पर हमारी सभ्यता तो हमारी आंखों में बसती है। और कह दे सारी दुनिया से, सिर्फ तीन तर्क देना चाहता हूं, कह दे सारी दुनिया से, भले उनके यहां मकान मोतियों जड़े होते हैं, हमारे यहां घर भले ही छोटे हो पर दिल बड़े होते हैं। हमारे यहां घर भले ही छोटे हो पर दिल बड़े होते हैं। वहां हवा शुद्ध है और पानी में कोई जर्म नहीं है। वहां जाते तो एक ही बात, बहुत हाइजीनिक कंडीशन में हम रहते हैं। मैं उनके हाइजीन का जवाब सिर्फ एक तर्क में देता हूं कि वहां हवा शुद्ध है, पानी में कोई जर्म नहीं है। अरे गंगा सब पाप धो देती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। गंगा सब पाप धो देती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म तो हमारे यहां कमाल का है, जिस इंडस्ट्री से मैं हूं वहां तो धर्म बहुत ज्यादा है। जितनी हीरोइने हैं इतनी धार्मिक हैं, जिनकी सबसे बड़ी जो स्तुत्य अध्यक्षा हैं आदरणीय मल्लिका शेरावत जी, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के एक वाक्य को जीवन बना रखा है। धर्म पे चलती है वो, शरीर मिथ्या है। वहां हवा शुद्ध है, पानी में कोई जर्म नहीं है। अरे गंगा सब पाप धो देती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप गुदवाएं टैटू हाथों पे, आजकल ये चला है टैटू। एक आया मेरे पास, मैंने कहा सर टैटू, मैंने कहा 3-4, बोले नहीं सर 2 तक ही। और अब तो हाथों पे क्या साहब, हम कहां कहां चले गए। आप गुदवाएं टैटू हाथों पे, पर मेरे देश में तो दिलों पे नाम गुदवाया जाता है। और अगली पंक्ति में सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं, होता हर साल है, करते हर साल है, लेकिन आप भूल जाते हैं। मैं आपको एहसास दिलाता हूं, आप सोचिए कि 1.625 अरब की आबादी की दुनिया में सिर्फ आप करते हैं लेकिन याद नहीं करते। आज याद कर लीजिएगा, आप गुदवाए टैटू हाथों पे, पर मेरे देश में तो दिलों पे नाम गुदवाया जाता है। और भाई हाथ में राखी नहीं विश्वास बंधवाता है, भाई हाथ में राखी नहीं विश्वास बंधवाता है। सच है, अंतिम मंगता देता हूं, सच है। मेरे यहां खूबसूरत कारें, ऊंचा भवन, बड़ा ट्रैफिक, खुली सभ्यता, शानदार आते, चमकदार बातें नहीं है। यकीन मानिए मित्रों, जितने कवि आए उन्होंने वतन की बात की, उन्होंने मुल्क की बात की, ये सब कुछ और कर सकते थे। सारे के सारे लोग जीवन में इतने सक्षम हैं कि कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कविता का कठिन रास्ता चुना। और सारे लोगों ने वतन की बात क्यों कही, दो शेर मुझे याद आते हैं जो इन्हें समर्पित करता हूं। और ये कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वाह 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 वाह। तब अंतिम पंक्ति देता हूं कि सच है,
मेरे यहाँ खूबसूरत कारें, ऊंचा भवन, बड़ा ट्रैफिक, खुली सभ्यता, शानदार बातें, चमकदार आते नहीं है, पर है हमारे पास सच पे मरने की ताकत, मुसीबतों में भी सहने की हिम्मत, प्यार भरे परिवार, घरों का संसार, रिश्तों का सम्मान, समस्या का निदान, बच्चे वो नटखट, पानी के पनघट, हिम्मत, संबंध, कामनाएं, प्यार, स्नेह, भावनाएं। कह दे सारी दुनिया से, भले चमक ना हो, दमक ना हो, फिर भी हर दिल खिला करता है, क्योंकि मेरा देश जानता है माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग मिला करता है, क्योंकि मेरा देश जानता है माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग मिला करता है। और यही कहना चाहता हूं आप सबसे, रिश्तों को ना तोड़ें, दिल कहीं टूटते हैं तो ऊपर बैठ के वो भी रोता है, तरक्की खूब करें पर अपने वतन से अच्छा कुछ भी नहीं होता है, अपने वतन से। वाह 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 वाह।